Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of November 2021, Thursday. Inspiration of the day is belief creates the actual fact. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 4. Crude import bill all set to breach financial year 21 level experts. Because of the crude oil prices firming up and the demand recovering, the import bill of India, the crude oil import bill of India is going to cross the last year's level for this month only. Means last year jitna bhi crude oil ka import bill tha complete year mein, wo bill ka jo level tha, wo bill ka jo marks tha, wo इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के नवंबर मंथ में ही क्रॉस होने वाला है. इट मींस क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 इज गोइंग टू क्रॉस द लेवल ऑफ इंपोर्ट बिल दैट इंडिया हैज इन लास्ट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21. And as per the participants, as per the sector watchers, the import bill is on the path to be the highest at least in last 3 years. Why it is going to increase and why it is increasing continuously, we all know, because the price of crude oil is shooting up and the average price at which refiners purchase the raw fuel cross the $70 per barrel. तो approximately $70 per barrel के हिसाब से जो OMCs हैं, जो refineries हैं, they are buying the crude oil since last 10 months. And because of this, it is anticipated that the crude oil import bill of India is going to cross the last year levels. The Indian basket of crude oil averaged $82.11 per barrel in the month of October. And this is the highest price for a month in 5 years. So, October ke mahine mein agar hum bole jo retail consumers hain unko kitne rupaye tak, approximately kitne rupaye tak jo crude oil hai wo available ho raha hai. The Indian basket of crude oil is approximately $82.11 per barrel, jiski wajah se ye hum keh sakte hain ki jo October ke month mein jo amount raha, jo price raha crude oil ka in Indian basket, ये पिछले 5 सालों में किसी भी महीने का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर है. हालांकि रिसेंटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को जो ओपन करने की बात कही थी, जिसको इंडिया ने भी सिंबॉलिकली फॉलो किया था, उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद से जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली $78.9 पर बैरल. लेकिन जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था, इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ सकता क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में. तो इस इवेंट के कुछ टाइम बाद ही जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो नॉर्मल अपने लेवल पर पहुँच गया, दैट इज़ मोर देन $82 पर बैरल. तो अप्रॉक्सीमेटली $82.1 पर बैरल पड़ रहा था कॉस्ट, डॉलर पर बैरल पड़ रही थी कॉस्ट. स्ट्रेटेजिक ऑयल जो रिजर्व्स थे उनको ओपन किया, इसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा डाउन हुआ, $78.98 पर बैरल पहुंच गया. लेकिन इस इवेंट के इमीडिएटली बाद वापस से क्रूड ऑयल ने अपना जो नॉर्मल प्राइस था उसको रिटेन कर लिया, दैट इज़ $82 पर बैरल. एंड ऑल विद दिस डेवलपमेंट, इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल कुड ईजली बी क्लोज टू द डबल लास्ट ईयर्स. तो पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार जस्ट डबल और अप्रॉक्सीमेटली डबल हो सकता है इंपोर्ट बिल, क्योंकि क्रूड ऑयल के अगर हम रेट देखें तो लास्ट ईयर पैंडमिक था, पैंडमिक में जो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश हुए थे तो वहाँ पर लो बेस इफेक्ट भी देखने को मिलेगा. और इसके अलावा जेन्युइनली भी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल जो है वो इंडिया का बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है. अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इराक
will still remain the top suppliers of crude oil to India till the month of September. और ये भी anticipation है कि जो trend चल रहा है, जो हमारे जो top suppliers हैं, वो उन्हीं से India खरीदता भी रहेगा और इस तरह से India का import bill आगे आने वाले time तक increase होगा. So ऐसा trend expect किया जा रहा है. Experts जो हैं, जो sector watchers हैं, they are anticipating that this trend will continue and India imported approximately 118.5 million tons. That is empty of crude oil from April to October this month. और जिसका अगर total amount हम देखें कि कितना public exchequer पर कितना burden पड़ा है, तो approximately $61.1 billion का petrol हमने import किया है पिछले कुछ month में, यानी April से लेकर के October तक. और अगर इसको पिछले साल के data से compare करें, April से October के पिछले साल यानी 2020 में कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना इसका पैसा दिया इंपोर्ट का, तो इंडिया हैड इंपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 104.6 एमटी ऑफ क्रूड ऑयल और इस बार 118.5 एमटी ऑफ क्रूड ऑयल. तो डेफिनेटली इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की रिकवरी, इकोनॉमिक डिमांड स्टार्ट हो चुकी है. और अगर बिल देखें, हमने 104 एमटी अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर, जो केवल हमने इंपोर्ट किया था $26.9 billion में, और इस बार हमने 118 एमटी अभी तक इंपोर्ट किया है और कितने में इंपोर्ट किया है $61.1 billion में. और ऐसा कहा जा रहा है कि जस्ट डबल होगा ये नंबर जब तक ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. एंड दिस इज द डेटा, द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल इज एवरेजिंग much higher in financial year 22. तो crude oil जो है, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन बास्केट है, जो जनरली कंज्यूमर बास्केट है, उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कैटर करता है. और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू हैव द मच हायर पोर्शन इन टू द इंडियन बास्केट ऑफ crude oil. And this is the import bill of India's crude oil and import quantity since last 3 years. कितना हमने 20 में, 21 में और 22 में, हम approximately कितना import किया हमने और उस import का कितना पैसा दिया. तो अगर 21 year को देखें, तो financial 21 इस duration में pandemic था, crude oil के जो prices थे वो crash हो चुके थे. Even एक मंथ में तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे, जिसकी वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी जो नॉर्मल प्री पैंडेमिक ईयर था फाइनेंशियल ईयर 20, उसके कंपैरिजन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इंपोर्ट अमाउंट था वो भी कम था और इंपोर्ट का जो बिल था वो भी कम था. एंड दिस इज द impact of this particular increase of import bill is going to have on Indian currency. क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा amount pay करना पड़ रहा है, इंडिया की जो currency है उसकी जो value है वो decrease करेगी. और ये हमें significantly देखने को यहाँ पर मिल भी रहा है, जिस तरह से हमारे import bill बढ़ रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर, क्योंकि डॉलर में पे करते हैं मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखें जो इंपोर्ट बिल्स हैं स्पेशली क्रूड ऑयल, तो डॉलर हार्ड करेंसी होती है उसमें पे होता है. तो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है दैट इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल. इसके अलावा कल हमने जो डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनसे जो एक्सेस अमाउंट यूज़ करने की बात हो रही थी, इंडिया ने भी अप्रॉक्सीमेटली 5 KMT का जो SPR ऑयल है वो यूज़ करने का डिसीजन लिया था, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है इंडिया के, उससे यूज़ किया था. तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये कहना है, एक्सपोर्ट्स का ये कहना है कि दिस मूव, यो जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऑयल को यूज़ करने का जो एक सिम्बॉलिक जेस्चर चला है कंट्रीज चाइना, USA और US और इंडिया जैसे इकोनॉमीज में, दैट इज़ actually not very economical or it is not related with the economics or the prices of crude oil. It is more specifically a political stunt. So the move led by US led group of oil consuming countries to release strategic petroleum reserves in a concentrated manner has more to do with the Washington domestic priorities rather than an attempts to cool the oil prices, since the volumes offered are only little over 1% of average
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आउटपुट। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो भी SPR से ऑयल निकाला जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, इसका प्रेशर पड़ेगा ओपेक नेशन पर, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट वाज मोर लेस पॉलिटिकल इवेंट। क्योंकि अगर ओपेक नेशन को आप देखें तो जितना आपने अपने SPR से निकाला, SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वर्स, तो जितना आपने SPR से निकाला है वो ओपेक नेशन के प्रोडक्शन कैपेसिटी का केवल और केवल 1% है। अगर वो 100 MT प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम केवल 1 MT ही हमने SPR से ड्रॉ किया है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। और ये पहले से ही पता था और हमने देखा भी, अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा या बहुत थोड़े टाइम के लिए जो ऑयल प्राइसेस थे वो थोड़े से कूल डाउन हुए, बट अगेन नेक्स्ट सेशन में उन्होंने सेम जो प्राइस था वो कैप्चर कर लिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6, न्यू वेज रेट इंडेक्स रिलीज 2016 मेड बेस ईयर फ्रॉम 1963 to 65। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑन वेडनेसडे हैज रिलीज्ड अ न्यू सीरीज ऑफ वेज रेट इंडेक्स WRI। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने WRI इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश करी है और जिसका बेस ईयर 2016 है। और चूंकि नई इंडेक्स पब्लिश हुई है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। और जो ये वेज रेट इंडेक्स है दैट इज़ बीइंग कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक अटैच्ड ऑफिस है, आप ये याद रखेंगे, यही ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर वेज रेट इंडेक्स के कंपाइलेशन और मेंटेनेंस के लिए। इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। तो न्यू सीरीज ऑफ WRI विद बेस ईयर 2016 इज इक्वल टू 100 विल बी रिप्लेस द ओल्ड सीरीज। इससे पहले कौन सा बेस ईयर था? इससे पहले बेस ईयर था 1963 और 65। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली ऐसा साल होता है जिसके डेटा से हम आगे आने वाला डेटा कंपेयर करते हैं, कि इसके कंपैरिजन में, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कोई इंडेक्स बनाते हैं, कोई रैंकिंग करते हैं, तो किसी एक पैरामीटर पर कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस ईयर होता है वो बेसिकली पैरामीटर रहता है। बेस ईयर का जो डेटा होगा, जो इंडिकेटर्स होंगे, दैट विल सर्व एज अ पैरामीटर, और उनसे ही कंपेयर करके अगले आगे आने वाले टाइम के बारे में प्रोजेक्शन किया जाता है कि इतने परसेंट बढ़ा, इतने परसेंट घटा। इस 2016 के कंपैरिजन में WRI इतने परसेंट बढ़ा, 2016 के कंपैरिजन में WRI इतने परसेंट घटा। तो इस बेस ईयर बेसिकली कंपैरिजन पर्पस के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। तो बेस ईयर इट मीन्स 2016 इज इक्वल टू 100 एंड द गवर्नमेंट पीरियोडिकली रिवाइज दिस पर्टिकुलर बेस ईयर फॉर मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिससे कि जो इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अप्रोप्रिएटली कैप्चर किया जा सके, अप्रोप्रिएटली एनालाइज किया जा सके। और जो वेज पैटर्न है वर्कर्स का, वेज क्या होता है? तो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बताऊं तो इट्स अ अमाउंट ऑफ मनी और इट्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड यूजुअली एवरी वीक टू एन एम्प्लॉय और टू एन वर्कर, स्पेशली वन हु डज द वर्क दैट नीड्स फिजिकल स्किल्स स्ट्रेंथ रादर देन अ जॉब नीडिंग अ कॉलेज एजुकेशन और एनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो वेज एंड सैलरी होता है, वेज जनरली मजदूर से रिलेटेड या वर्कर्स या मैनुअल वर्कर्स से रिलेटेड होता है, जबकि जो सैलरी होती है दैट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू द क्लेरिकल जॉब्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि मंथली पे किया जाता है सैलरी को, या सैलरी का जो पेमेंट होता है वो ज़्यादा इंटरवल पे होता है, जबकि जो वेजेस हैं वो एक शॉर्ट इंटरवल पे करी जाती हैं। तो यहाँ पर जो वेज का मतलब है, इट इज़ नॉट दैट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द वर्कर क्लास ओनली। Here the wage means the wage of every blue collar as well as white collar employees. तो लेबर ब्यूरो ने वेज पैटर्न को ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स डेवलप करी, और गवर्नमेंट का भी कहना है कि जो पीरियडिकली बेस ईयर है गवर्नमेंट रियलाइज करेगी, जिससे कि एक्चुअल इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको समझा जा सके। दस अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एक्सेट्रा द बेस ईयर ऑफ WRI नंबर्स हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 1963 to 2016। कवरेज भी बढ़ेगा इस इंडेक्स का एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर ऑथेंटिक, क्रेडिबल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर।
इस बेस ईयर के रिवीजन के अलावा इस इंडेक्स में, इस वेज इंडेक्स में और ज़्यादा कुछ चेंजेस भी किए गए, जैसे कि इसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया है. दिस पर्टिकुलर WRI स्कोप हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज. अपार्ट फ्रॉम इट द कवरेज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, सैम्पल साइज, ऑक्यूपेशन और वेटेज ये भी रिवाइज किया गया. इट मीन्स अब ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो कवरेज में आएंगी, ज़्यादा वेटेज में भी चेंज किया गया, तो कई सारे और भी रिविजन किए गए हैं. और इसका सीधा सीधा पर्पस इतना है कि इस पर्टिकुलर WRI इंडेक्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और ऑथेंटिक बनाना. तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. तो आप आगे जा करके देख सकते हैं कि WRI इंडेक्स में कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं और जनरल क्या क्या कैप्चर करते हैं WRI इंडेक्स बनाते समय. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. क्रिप्टो बैन अनलाइकली एज $6 billion असेट्स हेल्ड इन इंडिया, कॉइन स्विच कुबेर CEO. क्रिप्टो बिल प्रेजेंट होने वाला है पार्लियामेंट में, जो कि November 29 से विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है उस विंटर सेशन में. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन करने के, जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन करने के कोई भी डिसीजन नहीं लिया है. दे आर एक्चुअली गोइंग टू रेगुलेट दिस क्रिप्टो. हालाँकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है. ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं उनको बैन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली डिवाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर. व्हाई? बिकॉज फ्यू आर सेइंग दैट कि जो इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर इन द कंट्री होल्ड अप्रॉक्सीमेटली $6 billion वर्थ ऑफ सच वर्चुअल करेंसीज, मोर स्पेसिफिकली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी. तो इतना ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के साइड से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर, कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भी गवर्नमेंट बैन करने का डिसीजन नहीं ले सकती है. अपार्ट फ्रॉम इट द एक्सपर्ट हैज़ ऑल्सो साउंडेड अ वर्ड ऑफ कॉशन ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैन. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया या गवर्नमेंट इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेती है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन कर दे, तो ऐसे एग्जाम्पल हमें ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिले, जहाँ पर नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसी तरह का डिसीजन लिया था और इस डिसीजन के 12 दिन के बाद ही नाइजीरियन गवर्नमेंट हैज़ टू रोल बैक इट्स डिसीजन ऑन बैनिंग द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी. सो इन एन वेबिनार टू ऑर्गेनाइजेशन द CEO of CoinSwitch Kuber has said that banning the private cryptocurrency is also unlikely. Public जो cryptocurrencies है, bitcoins इन सब की बात नहीं हो रही, जो private cryptocurrencies है यहाँ पर उसकी बात हो रही है. तो अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या बिटकॉइन और एथेरियम जैसी करंटी का जो जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं आधे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. तो बहुत अगर हम देखें तो यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसी, मोर स्पेसिफिकली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लेकर के. सो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाई गवर्नमेंट येट एज वेल. तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले मैं ये जानना होगा कि इसके अलावा कौन सी क्रिप्टो करेंसीज होती है. इसके अलावा होती है जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं. पब्लिक का मतलब ये नहीं कि दैट इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट. बेसिकली पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, जिसको जैसे हम बोलते हैं बिटकॉइन, इथेरियम ऑल एंड मैनी अदर क्रिप्टो करेंसीज टोकन्स, आर जनरली बेस्ड ऑन पब्लिक ब्लॉक चेन नेटवर्क. पब्लिक ब्लॉक चेन नेटवर्क as the transaction made by the network are said to be traceable while still providing a degree of anonymity to the user. तो जो भी public cryptocurrencies हैं वो जो भी blockchain technology जैसे को इस तरीके से use करती हैं, blockchain technology को इस तरह से, network को इस तरह से use करती हैं कि उनका जो origin है, owner का नाम है, that is easily traceable, उसको trace किया जाता है. हालांकि on the other hand they also maintain the anonymity of the user, but yes, अगर चाहें तो उसको easily trace out कर सकते हैं. It means liability can be fixed up to the extent. On the other hand, private cryptocurrencies could refer, जैसे कि for example, अगर हम देखें तो it could be Monero, Dash, Zcash, all these are the digital tokens that are built on public blockchain. But yes, they are built in such a manner that transaction information to offer privacy to users, like not saving the transaction history as they are rooted through a multiple network. As simple as that, कि
इनमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ किया था, या जो इस तरह से मल्टीपल ट्रांजैक्शन जानबूझ के इंटेंशनली किए जाते हैं कि जो इवेंचुअल यूज़र जो होता है, ओनर होता है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का, उसको आइडेंटिफाई कर पाना, नेटवर्क एनालिसिस कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इतने बार मल्टीपल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कि करेंसी के इंटेंशनली जानबूझ के, जैसे कि जो ओनर है उस पर्टिकुलर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का उसको एनोनिमस रखा जा सके अप टू द एक्सटेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के केस में आप सिंपल से इतना, जो ओनर है, जो जनरेटर है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इट्स वेरी एनोनिमस, वेयर एज इन केस ऑफ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी इट कैन बी एनालाइज थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्किंग एनालिसिस। और इसीलिए गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली थिंकिंग टू बैन द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, एंड गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ऑफर और टू रेगुलेट द फ्यू और सेलेक्टेड पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट, जैसा मैंने डिस्कस किया, एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन इट, उनका ये कहना है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में इतना इन्वेस्टमेंट है, क्या गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी ऐसे इन्वेस्टर्स को नाराज करने का, या इतना उनका वैल्यू का, वर्थ का, मनी लॉस करने का, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे या ग्लोबल लेवल पे कई सारे जो कंट्रीज थे, हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए, बट यस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, दे नीड टू, दे हैव टू रोल बैक दिस डिसीजन। एंड अकॉर्डिंग टू द क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर, द बिल मे नॉट ब्रिंग अबाउट अ फुल फ्लेज्ड रेगुलेटरी framework. It is possible that regulation could happen in phases. First, classifying crypto as an asset, then taxing it, then figuring out which is going to be the regulatory authority. और जो भी regulation होगा वो भी phase manner में होगा, क्योंकि immediately इतनी आसानी से crypto को regulate करना भी possible नहीं है। framework को resilient भी होना पड़ेगा, flexible भी होना पड़ेगा, तो it will take the time to regulate the cryptocurrency. So this is the point or opinion of founder and CEO of CoinSwitch, Kuber. अब देख लेते हैं some other news clips. Digital tax to stay until OECD pact comes into force. So finally, जो 2% का equalization levy इंडिया ने लगाया था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा controversy हुई थी, Google जैसी companies ने USA में जाकर के शिकायत करी थी, और जिसके बाद USA और इंडिया के बीच में काफ़ी सारे dispute generate हुए थे। So Google tax, digital tax, equalization levy के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद जितने भी जो OECD कंट्रीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OECD। OECD कंट्रीज़ ने एक मीटिंग हेल्ड करी या नेगोशिएशन रखा, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया दैट गूगल टैक्स जो भी अलग अलग कंट्रीज़ अपने अकॉर्डिंग रख रही हैं, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, जिससे जो कंपनीज़ हैं जो ये प्रॉब्लम कह रही हैं कि इनको अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ रहा है, उसके लिए अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम रखना पड़ रहा है, अलग अलग तरह के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करना पड़ रहा है, या IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना पड़ा है, उस सारी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड और रेगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कंप्लाइंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन हुआ कि OECD कंट्रीज के बीच में दैट देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म इक्वलाइजेशन लेवी, इंस्टेड ऑफ कि हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग इक्वलाइजेशन लेवी रखे। इंडिया के केस में क्या था, इंडिया के केस में मैंने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी लाया था, अगर आपको पता हो क्या होता है, 6% का टैक्स लाया था कि जो भी नॉन रेजिडेंस मार्केटिंग कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली IT मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल टैक्स, गूगल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेटर ऑन 2020 में इसको बढ़ा करके 2% और बढ़ा दिया था, जिसको लेकर के USA ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट किए, इंडिया को जी जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम से भी हटाया, और बहुत सारे अदर जो टैरिफ बेनिफिट्स इंडिया को मिलते थे उनको वापस लेने की धमकी भी दी। हालांकि इंडिया इस पर्टिकुलर प्रेशर में नहीं आया, और उसने अपना 2% का जो इक्वलाइजेशन लेवी, एडिशनल लेवी था, वो कंटिन्यू रखा। इसके बाद OECD कंट्रीज़ का नेगोशिएशन हुआ, उस नेगोशिएशन में जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, MNEs हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं IT के फील्ड में और मार्केटिंग के फील्ड में, उन सारी कंट्रीज़ पर डिसाइड हुआ कि एक सिमिलर टैक्सेशन लगेगा, सिमिलर टैक्स से उनको टैक्स किया जाएगा, और फाइनली उस पर डिसीजन भी हो गया। और लेकिन जिस तरह से इंडिया ने 2% का लेवी लगाया था, उसके बाद से इंडिया का जो रिवेन्यू जनरेशन था डेफिनेटली वो बहुत बढ़ गया था। लेकिन अब इस बात के भी जो डिसीजन आ रहे थे कि भाई अब इंडिया OECD वाला फ्रेमवर्क फॉलो करेगा, या ये जो अपना 6+2 वाला
है इक्वलाइजेशन लेवी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि डेफिनेटली OECD वाले पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो थ्रेशोल्ड डिसाइड किया गया रेवेन्यू का, उस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो कंपनीज हैं, IT मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी. तो इट विल बी द लॉस फॉर इंडिया. लेकिन और उसको लेकर भी कंप्लाइंसेस को लेकर भी बहुत सारा ज़्यादा से कॉन्ट्रोवर्सी थी. तो इंडिया ने फिलहाल के लिए क्लियर कर दिया है कि जो भी OECD का ग्लोबल टैक्स डील है वो जब से एप्लीकेबल है उस टाइम पीरियड तक इंडिया विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी जो इंडिया ने खुद के लिए बनाया है. सो द टू पिलर OECD ग्लोबल टैक्स डील दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 2 or 3 years, तब तक इंडिया अपने इक्वलाइजेशन लेवी रिजीम को ही फॉलो करेगा. अगर हम देखें OECD ग्लोबल टैक्स डील को, दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली टू पिलर सोल्यूशन. क्या है? अंडर पिलर 1, मल्टीनेशनल कंपनीज विद ग्लोबल सेल अबव देन €20 billion एंड प्रॉफिटेबिलिटी अबव 10% आर कवर्ड. तो पिलर 1 में वो मल्टीनेशनल कंपनीज कवर हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज़्यादा है, या जिनकी जो ग्लोबल सेल है वो €20 billion से ज़्यादा हैं. और पिलर 2 इंट्रोड्यूस अ ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स ऑफ 15%. 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लगेगा MNE पर. और इस पर्टिकुलर टैक्सेशन के तहत जो भी अदर टैक्स हैं, इक्वलाइजेशन लेवी, ग्लोबल टैक्स, इस तरह के, ये सब चले जाएंगे, सब्ज्यूम्ड हो जाएंगे. तो फिर इंडिया भी इसका एक मेंबर है. तो इंडिया ने कहा है कि इंडिया विल एक्चुअली फॉलो इट्स ओन इक्वलाइजेशन लेवी टैक्सेशन रिजीम अनटिल अनलेस OECD पैक्ट कम्स इनटू फोर्स. और कोई भी इंटरनेशनल डील हो या पैक्ट हो या एग्रीमेंट हो, उसको फोर्स में, रेटिफिकेशन में आने में टाइम लगता है. सो अकॉर्डिंग टू द बायलेटरल एग्रीमेंट, इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट गो अवे इन द इंटरिम पीरियड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम April 2022, जब से ये OECD पैक्ट का ग्लोबल टैक्सेशन का जो रिजीम है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तब तक इंडिया अपने इसी इक्वलाइजेशन लेवी को फॉलो करेगा. हाउएवर, वंस द ग्लोबल एग्रीमेंट पिलर 1 कम्स इनटू इफेक्ट, इट विल बी कैलकुलेटेड वेदर MNE हैव पेड हायर टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी देन व्हाट इज लायबल अंडर द एग्रीमेंट, एंड द एक्सेस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द पिलर इम्प्लीमेंटेशन. एंड इन केस कंपनीज हैव पेड हायर टैक्स, the excess amount would be credited as to the companies, and it is expected that global taxation would be less than the current equalization levy of India. The clear kar diya hai government ne ki jab se implement hoga pillar 1 taxation, तब तक तो हम अपना ही लेवी फॉलो करेंगे, अपना ही टैक्स फॉलो करेंगे. हाँ, अगर उसके बाद हमें ये लगता है कि आपने ज़्यादा पे किया तो वी विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू यू. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 5 kg राशन स्कीम एक्सटेंडेड टिल मार्च. तो जस्ट मंथ बिफोर द क्रूशल असेंबली पोल इन UP एंड पंजाब, द कैबिनेट हैज टेकन द डिसीजन टू एक्सटेंड द 5 kg राशन स्कीम टिल द मार्च. अगर आपको पता हो तो पैंडेमिक के पीरियड में गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सफिशियंट फूड टू BPL फैमिलीज. और कहा था कि भाई क्योंकि काम नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, तो अंडर PMGKAY द सेंटर गिवन एन एडिशनल 5 kg ऑफ राइस एंड वीट पर मंथ टू द बेनिफिशियरी ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. और जिसके लिए जो सेंटर को अप्रॉक्सीमेटली 53,000 crore का एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ा था. और ये दिसंबर तक ख़त्म हो रही थी, लेकिन पोल आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को मार्च तक और बढ़ा दिया है. तो PMGKAY, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGKAY, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फ्री राशन 5 kg राइस और वीट की स्कीम को मार्च तक और बढ़ा दिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. विलफुल डिफॉल्ट ₹62,000 crore हायर देन बिफोर कोविड. सो इंडियन बैंकिंग सिस्टम लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑन विलफुल डिफॉल्टर शोज दैट अप्रॉक्सीमेटली 62K crore और अराउंड 10% इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर
केसेस. तो विलफुल डिफॉल्ट मीन्स ऐसे डिफॉल्ट के केसेस, ऐसे एनपीए के केसेस जो कि इंटेंशनली किए गए हैं, जानबूझ के किए गए हैं. इंडिविजुअल हैज़ द कैपेसिटी टू रीपे द डेट, इंटरप्राइजेस हैज़ द कैपेसिटी टू रीपे द डेट, बट दे हैव डन दिस विलफुली थ्रू सर्टन करप्टिव प्रैक्टिसेस. So, in additional amount outstanding since the pandemic began, there is a 10% increase into the willful default cases in India as per the latest record by Indian banking system. And this is the rate of increase. In December 2019, this amount was approximately 6.22 trillion in terms of rupees. 2019 में दिसंबर में ये जो अमाउंट था विलफुल डिफॉल्ट का, ये 6.22 ट्रिलियन रुपीज़ था, जो कि जून 21 तक आते आते 6.85 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया है. एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैज़ इंक्रीज अप टू 6.85 ट्रिलियन इन द मंथ ऑफ जून. तो ये कहना है कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो विलफुल डिफॉल्ट के केस हैं वो बढ़े हैं. इट मींस ऐसा नहीं कि कोई पैंडेमिक से इंटरप्राइज इंडिविजुअल इंपैक्ट नहीं हुआ, इंपैक्ट हुआ, बट यस, कई लोगों ने इंटेंशनली उस पैंडेमिक को यूज़ किया इन ऑर्डर टू हैव द और इन ऑर्डर टू क्रिएट द एनपीए और इन ऑर्डर टू गो फॉर डिफॉल्ट. तो इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर अलाउज कॉमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ कोवैक्सीन. सो फाइनली सेंटर गवर्नमेंट ने भारत बायोटेक को कॉमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया है. नाउ आफ्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक कैन ऑल्सो गो फॉर एक्सपोर्ट. सो गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द एक्सपोर्ट टू WHO लेड वैक्सीन इनिशिएटिव ऑफ कोवैक्स. तो अब जो दोनों ही कंपनीज हैं जो मेजरली जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन प्रोवाइड करी है, और उनका ये कहना था कि दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ वेंचर वाज नॉट वेरी मच प्रॉफिटेबल, अब उनका टाइम आ गया, नाउ दे कैन अर्न द प्रॉफिट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ कर दिया. हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ हो रही हैं रिसर्चर्स की, उनका ये कहना है कि जो वर्ल्ड असेसमेंट है भारत बायोटेक की जो और SII की जो भी वैक्सीन है उसके एफिकेसी रेट्स को और ऑथेंटिक डेटा प्रेजेंट करने के लिए और ऑथेंटिक या उसका वैक्सीन एफिकेसी लेवल चेक करने के लिए और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होगी. 55 million doses of Covaxin produced in the month of October in India and 80 million target for Covaxin doses in the month of December and 220 million monthly doses of Covishield is being made now. So you can see the huge amount of vaccines are now being produced in India और मोर और लेस अब इंडिया इसका एक्सपोर्ट करे क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो सफिशियंटली हो चुका है. अब गवर्नमेंट का जो सेकेंड वैक्सीनेशन ड्राइव होगी उसमें यही फोकस होगा कि जो लेफ्ट आउट हैं, जो थोड़ा जिनके थोड़ा एप्रीहेंशन है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, उनको भी अब कवर किया जाए. इसके अलावा एक और न्यूज़ भी आई है कि यूरोप ने अब बूस्टर डोज को सपोर्ट किया. अभी तक जो यूरोप था वो बूस्टर डोज को लेकर के ज़्यादा सपोर्ट में नहीं था, बट जिस तरह से यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, नाउ देयर इज़ अ नेगोशिएशन, पैरेलल नेगोशिएशन दैट इज गोइंग ऑन फॉर द बूस्टर डोज ऑफ कोविड वैक्सीन स्पेशली फॉर एडल्ट्स. क्योंकि कई जगह से ऐसा डेटा आ रहा है कि वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद भी इंडिविजुअल्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद COVID-19 और कोरोना वायरस एंड गेटिंग इम्पैक्टेड सीवियरली. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.